हम लाइव हैं आईटी जॉब फेयर जोधपुर, सबसे बड़ा डीजी फेस्ट जोधपुर में आयोजित हो रहा है। और यहाँ पे सुबह से ही युवाओं की लंबी कतारें लगी हुई है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा पूरे राजस्थान से दूर दूर से लोग पधार रहे हैं। तो आइए कुछ स्टूडेंट से हम बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। क्या राजेश कुमार जी? हाँ जी। कहाँ से पधार रहे हैं आप? गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से। गंगानगर से आए, कब निकले वहाँ से? हम रात को 9 बजे निकले थे। हाँ हाँ। यहाँ सुबह 5 बजे पहुँचे हैं। अच्छा, आपको आईटी जॉब फेयर के बारे में कैसे पता चला? ये फ्रेंड सर्कल के बारे में पता लगा, बाद में कुछ इसका भी देखा था या फिर कोई सोशल मीडिया पर देखा था। अच्छा, तो उस टाइम पता लगा। आपका किस फील्ड में आप यहाँ जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, आपका क्या स्किल है? स्किल तो इलेक्ट्रिशियन है। इलेक्ट्रिशियन है आप? अच्छा, चलो बढ़िया है। तो आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या आशाएँ हैं? आशाएँ हैं कि मिल जाए जॉब तो बढ़िया है। आपके थैंक यू बहुत बहुत राजेश जी। आपके साथी भी बता रहे हैं, आपका क्या नाम है सर? गुरजोत सिंह। क्या नाम है आपका? गुरजोत सिंह। गुरजोत सिंह जी, आपका क्या फील्ड है? इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन है। कैसा लग रहा है आपको जोधपुर में आके? अच्छा लग रहा है। नाश्ता वास्ता किया नहीं किया सुबह से? किया। चलो अच्छी बात है। आपका क्या नाम है सर? प्रमोद जी। प्रमोद जी, प्रमोद सिंह। आप कहाँ से बता रहे हैं? गंगानगर से हैं। अच्छे हो, सब बढ़िया लग रहा है? कैसा लग रहा है? उम्मीदें हैं आईटी जॉब फेयर से? आईटी जॉब फेयर आयोजित होने चाहिए, ऐसे क्या लगता है आपको? चलिए, आपका क्या नाम है सर? रतनलाल जी। कहाँ से बता रहे हैं आप? भी पूरी टीम गंगानगर से बता रहे हैं, रात को निकले होंगे वहाँ से। चलिए, आपको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। और इस तरह आप देख रहे हैं कि बहुत दूर दूर से, गंगानगर से और राजस्थान के सारे जिलों से युवा पधारे हैं। तो जो जिन्होंने आईटी जॉब फेयर में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो भी करवाएं, और यहाँ आके आप बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नया एक्सपीरियंस होगा। तो आइए पधारिए आईटी जॉब फेयर में और देखते रहिए, सारा अपडेट आपको अपनी यूनिवर्सिटी चैनल पर मिलता रहेगा। थैंक यू।